नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जो कि है पीएस ब्लॉग्स में। और आज हम आपको बताएंगे डेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं जानकारी दूंगा बच्चों की दांतों की समस्याओं से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो मैं आपको बताऊंगा पहली बात वो है ये कि बच्चों की जो दांतों की समस्याएं होती हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करें। तो पहली जो सबसे बड़ी दांतों की प्रॉब्लम आती है वो है दांतों में कीड़ा लगना। तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि बच्चों को रात को एक तो ब्रश करवाइए आप, ठीक है। तो ब्रश कराएंगे तो ऑटोमेटिकली कैविटीज़ कम लगेंगी दांत के अंदर और डेंटिस्ट के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन यही है कि आप नाइट का ब्रश बच्चों को ज़रूर करवाइए। मॉर्निंग का भी ज़रूरी है और नाइट का भी ज़रूरी है। तो उसमें क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी। लेकिन बाई चांस बच्चों की जो एज होती है 3 ईयर्स तक की एज वाले जो भी बच्चे होते हैं उनके दांतों में समस्याएं ज़्यादा आने लग जाती हैं। अगर वो हाइजीन ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि दांत किसी दांत में खाना फंस रहा है या कैविटी हो चुकी है तो उसको आपको सॉल्व करने के लिए डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा और उस दांत को क्लीन करके उसको भरना पड़ेगा। तो 6 महीने में जब भी आपको लगे कि बच्चा के दांत में दिक्कत हो रही है तो आप डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए, नहीं तो उसके अंदर दांत में पस पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, दांत हिलेगा और टाइम से पहले निकालना पड़ेगा। और अगर दांत बच्चों के दांत जो होते हैं वो 13 या 14 ईयर्स की एज तक वो टूटते हैं तो सब उनको उस एज तक बचाना होता है। अगर समय से पहले अगर दांत टूट जाते हैं बच्चों के तो जो परमानेंटली दांत हैं वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है दांत और आपको बाद में ब्रेसिस का ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे के दांत में कीड़ा लग रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए और उसको भरवाइए दांत को। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताऊँगा कि बच्चों में अगर आप देख रहे हैं कि दांतों में कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है तो आपको वो डेंटिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा और डेंटिस्ट आपको सोल्यूशन दे देंगे कि कैसे उसको दांत को बचाया जा सकता है। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे हम दांतों की कैविटीज़ को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जिन दांतों में हो गया उनको हम फिलिंग कर देते हैं और आगे ना खराब हो इसलिए हम एक डेंटल वार्निश होता है वो दांत के ऊपर अप्लाई कर देते हैं जिससे कैविटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। तो और थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, ब्रशिंग। तो ब्रशिंग के लिए क्या करना है, अगर आपका बच्चा अगर 3 to 4 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है तो एक पर्टिकुलर एक नाम मैं बता देता हूँ आपको टूथपेस्ट का, एक चीरियो एक कंपनी का नाम टूथपेस्ट का नाम है। तो वो बच्चों के लिए एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो बच्चे उसको आराम से कर भी लेते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका, तो आप उसको यूज़ करिए। ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी होता है, ब्रशिंग टेक्निक पे भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, मैं उसको आपको डेमो भी दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देख पाएंगे ब्रशिंग टेक्निक कैसे यूज़ करना है। बच्चों के लिए भी करना है और बड़ों के लिए भी वैसे ही सेम टेक्निक यूज़ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेमो दूंगा। तो अगर और आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है डेंटल से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रेज करिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। और हमारा एक क्लिनिक है डॉक्टर शर्मा डेंटल एंड इम्प्लांट्स केयर जो कि महिंद्रा पार्क में है, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डेंटल नीड है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास में सभी तरह का ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा, बच्चों से रिलेटेड भी और बड़ों से रिलेटेड भी। इम्प्लांट्स भी इंक्लूडेड है, सब चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, ब्रेसिस ट्रीटमेंट भी होता है, सब चीज़ होता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्लिनिक का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोकेशन और जो भी कॉन्टैक्ट है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई है बहुत 3 बेसिक चीज़ें जिनसे आप बच्चों की कैविटीज होने को रोक सकते हैं।
अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। और अभी जो भी आपकी क्वेरीज हैं कि कैसे बच्चों का ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुट अप करिए, मैं उनका आंसर डेफिनेटली दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें भी उसको आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप पुट अप करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। नमस्कार।